हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम लोग खेलेंगे इस कैरेक्टर चैट। इस वीडियो में, इस गेम में हम लोग जाएंगे बेसमेंट में, जहाँ पे हमें इस कैरी चैल के लास्ट विक्टिम का फोटो निकालना है। तो देखते हैं ये लेवल हम लोग कैसे पार कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक रिमोट फाइंड करना है, जो कि जिसकी मदद से हम लोग टी वी को स्टार्ट करेंगे, जो कि इस कैरी चैल को थोड़ा बिजी रखेगा। ये देखो, इस गेम में लगता है इधर भी भूत है। चलो फिलहाल हम लोग अंदर जाते हैं और ये हुआ टीवी। हम फिलहाल हमें इस टीवी को चालू करके रखना है ताकि इस कैरी से इसमें बिजी रहे और हम लोग अंडर बेसमेंट में आराम से जा सकें। तो इसके तो टीवी हमने चालू कर दिया है। अब इस कैरी से और फिलहाल हम लोग छुप जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ गए हैं और इस कैरी से आराम से अपना टीवी देख रहा है। तो हम लोग चल जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ पर हमें एक कॉफिन ढूंढना है। क्या आप लोगों को कॉफिन दिख रहा है? कॉफिन कहाँ है? कॉफिन यहाँ पे तो कई सारे तस्वीरें हैं और हमें इसके लास्ट विक्टिम का तस्वीर लाना है। और ये रहा हमारा कॉफिन। और कॉफिन में हम लोग इस बुक की मदद से इसे ओपन करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे तस्वीरें हैं और हमें इसमें से लास्ट विक्टिम का तस्वीर कलेक्ट करना है, जो कि हमें मिल चुका है। और फिलहाल इस तस्वीर को हमें इस कैरी चैल के बेडरूम में लगाना है ताकि इस कैरी चैल को हम डरा सकें। ये इस कैरी चैल तो एक बूट है, लेकिन ये बहुत डरता है और ये एक पता नहीं कहाँ भाग के गया है। लेकिन हमें इसके बेडरूम में जाके इस तस्वीर को लगाना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग इसके बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। इसका रिजल्ट डर रहा है, लेकिन हमें उसके बच्चे छुप के उसके बेडरूम तक जाना है। लेकिन हमें उससे बच के छुप के उसके बेडरूम तक जाना है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एक छुपे हुए हैं। ये जो घोस्ट मीटर है, ये जब थोड़ा नीचे जाएगा तब हम लोग ऊपर आएंगे और उसके बेडरूम में जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उसके बेडरूम के तरफ जा रहे हैं। ये है उसका बेडरूम। इसके अंदर हम लोग फिर से छुप जाते हैं क्योंकि स्कैरी सेल हमारे काफ़ी पास है। ये हम लोग यहाँ पे छुप जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग वापस आ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से इसके बेडरूम में जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसका तस्वीर लगाना है। ये स्कैरी सेल हमारे पास बिल्कुल वापस फिर से आ रहा है, इसलिए मुझे फिर से यहाँ पे छुपना पड़ रहा है। ये हमारे काफी पास है, इसलिए मुझे छुपना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग छुपे हुए, लेकिन अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस तस्वीर को इसके रूम में लगा के ही रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग उसके बेडरूम में आ चुके हैं और अब हमारी यह तस्वीर लगाने की। लेकिन मेरे को पता नहीं है तस्वीर यहाँ पे कहाँ पे फिट करना है ताकि वो आराम से देख सके। अब देखते हैं, वो फिर से आ रहा है। मैं यहाँ पे फिर से छुप जाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वो रहा हमारा स्कैरी साहब, वो जा रहा है अभी। और जब जाएगा तो हम लोग वैसे ही निकलेंगे और तस्वीर लगाने का नया जगह को ढूंढेंगे कि कहाँ पे हम लोग तस्वीर लगा सकते हैं। फिलहाल वो शायद चल गया है, तो हम लोग यहाँ से फिर से बाहर निकल जाते हैं। और चलो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे तस्वीर लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये तो तस्वीर नहीं लग रहा, लेकिन मैं आगे देखता हूँ कि हम लोग और कहाँ तस्वीर अपनी लगा सकते हैं, जिसे लगाने में वो भी हमें आराम से देख ना पाए लेकिन वो तस्वीर को ज़रूर देखे। वो हमें तस्वीर लगाते हुए ना देखे, लेकिन हम यहाँ पे तस्वीर लगाएं उस जगह को ज़रूर देखे, जिसके डर जिससे वो डरेगा। ये तो बिना तस्वीर लगाए वहीं डर गया है। पता नहीं क्या भूत है ये। अरे क्या भूत बनेगा रे तू? तू तो बिना तस्वीर लगाए हुए ही डर गया है। यहाँ पे तस्वीर लगाने का जगह मिल गया। मैं यहाँ पे तस्वीर को लगा देता हूँ और मैं वापस हाइड हो जाता हूँ। और अब स्कैरी चैल जब आएगा तो उसका रिएक्शन देखना। देखो वो आ रहा है। ये डरने लगा।
अरे क्या भूत बनेगा।